नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की। प्रतापगढ़ के छठवें लोकसभा का चुनाव कल होना है। इसके लिए आज एटीएल मैदान में चुनाव में लगे कर्मचारियों को पोलिंग बूथ पर भेजने के लिए उनको रवाना किया गया। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता केशव पांडे की खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव 2019 को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और यहां से पोलिंग पार्टियां हर बूथ के लिए जा रही हैं और कल प्रतापगढ़ में चुनाव है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो यहां पे दिखाएं किस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और किस तरीके से यहां पे पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। यहां पे सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है, भारी संख्या में यहां पे अधिकारी मौजूद हैं। ऐसे में कल प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है। पार्टियां मूव कराई जा रही हैं और कल मतदान होगा। जिले के सभी विधानसभाओं में यहां से किया जा रहा है। जिले की सभी विधानसभाओं में यहां मतदान कर्मी अपना सामान यहां डिकोडिंग क्या, क्या नाम है आपका, आप किस पद पे हैं? रामकरण प्रजापति, डिकोडिंग ऑफिसर। जयसो पांडे, टाइम्स 18 न्यूज प्रताप। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक।